आज मैं ये सफेद चने भिगाए थे मैंने 8 घंटे, और सफेद छोले बनाने जा रही हूँ। ये हलवाई स्टाइल के छोले बनाऊंगी, और इसको मैं अभी चढ़ा देती हूँ पहले गैस में। एक सीटी आने तक इंतजार करूंगी, उसके बाद इसको 20 मिनट के लिए गैस में छोड़ूंगी और गैस को बंद करूंगी। ये मैंने छोले कुकर में डाल दिए हैं और अब मैं गैस जला देती हूँ। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा सा सोडा, थोड़ा ही, 3-4 चुटकी के करीब होगा, इतना ही डालेंगे। और अब मैं इसमें ढक्कन लगा देती हूँ। ये मैं आज हलवाई स्टाइल छोले बना रही हूँ। छोले हमारे उबल गए हैं, ये मैं उतार देती हूँ और अब रखूंगी फ्राइंग पैन। गैस जलाती हूँ, बर्तन रख दिया है मैंने, इसमें 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा हो गया है, गैस को सिम में कर देंगे। पहले डालेंगे थोड़ा जीरा, 1 तेज पत्ता, और ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये डालेंगे 1 चम्मच भर के। गैस को मीडियम कर लेंगे। अदरक और मिर्च का पेस्ट हमारा बन गया है, इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, धनिया, गरम मसाला, रामचूर पाउडर, देगी मिर्च, हल्दी, यह है चाट मसाला, और थोड़ी सी मिर्च अनुसार डालनी है, और थोड़ा डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी इसमें डाला हुआ था चने। इसको हम भून लेते हैं अच्छे से। अब डालेंगे पिसा हुआ टमाटर और इसको तेल छोड़ने तक पकने देंगे। गैस को सिम में कर दूंगी और ढक्कन लगा दूंगी। मसाला हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे छोले, और ये 300 ग्राम छोले हैं। बाकी सारा मसाला मैंने 1/2 चम्मच डाला था, केवल धनिया जो है वो 2 चम्मच डाला था। अब इसको तेज आंच कर देती हूँ, तेज में पकाएंगे उबाल आने तक। छोले खोलने लगे हैं, मैं इसको अब सिम में कर दूंगी और ढक्कन लगा दूंगी। 20 मिनट इसको ऐसे पकाएंगे। छोले हमारे बनकर तैयार हो रहे हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। इसको चला लेती हूँ पहले, और इसमें डालेंगे धनिया, और ये मैंने आज चावल के साथ बनाए हैं। ये हलवाई स्टाइल छोले हैं और चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं ये। आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।